बलूचिस्तान में शनिवार को एक हमले में 7 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। बलूचिस्तान के हरनाई इलाके में फ्रंटियर कोर के शारिक पोस्ट पर हुए इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान के विद्रोही गुट बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली है। बीएलए ने एक बयान जारी करके अब चेतावनी दी है कि अगर कोहलू कहान रोड को बनाया गया तो इसका अंजाम बुरा होगा। इस सड़क को बलूचों के हितों के खिलाफ पाकिस्तान के पंजाबी बना रहे हैं और उन्हें पाकिस्तानी सेना का संरक्षण भी मिल रहा है। बीएलए ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें जारी की हैं, जिनमें हमले के दौरान पाकिस्तानी सैनिकों के कपड़े उतारे गए और उनके हथियार भी छीन लिए गए थे। बीएलए की तरफ से कहा गया है कि उसने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर कोहलू कहान सड़क बनाई गई तो इसके लिए बड़ी कीमत चुकानी होगी। बेहतर होगा कि सेना की मदद से बनाई जा रही इस सड़क का काम पाकिस्तानी कंपनियां बंद कर दें और बलोचों की राष्ट्रीय संपदा को लूटने वाली पाकिस्तानी ताकतों के खिलाफ बलूचिस्तान आजाद होने तक ये संघर्ष जारी रखेगा। बीएलए ने चेतावनी दी है कि आगे भी पाकिस्तानी सेना के खिलाफ ऐसे हमले होते रहेंगे। इलाके के लोग और पाकिस्तानी कंपनियों से अपील करते हुए बीएलए ने कहा है कि वो बलूचिस्तान पर कब्जा करने में पाकिस्तानी सेना की मदद ना करें। शनिवार को पाकिस्तानी सेना के पोस्ट पर हुए हमले में 7 जवानों के मारे जाने के बाद इलाके के लोगों से बदला लेने के लिए पाकिस्तानी सेना ने बड़ा अभियान छेड़ रखा है। पाकिस्तानी सेना अक्सर यहाँ के आम लोगों के घरों में घुसकर उनसे न सिर्फ गलत सलूक करती है बल्कि विरोध करने पर बहुत से लोगों को आतंकी बताकर गोली तक मार दी जाती है। उधर प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तानी सेना पर हुए इस हमले के पीछे भारत का हाथ बताया है। इमरान ने ट्वीट करके कहा, देर रात फ्रंटियर कोर के पोस्ट पर आतंकवादी हमले में 7 जवानों की शहादत सुनकर बहुत दुख हुआ है। मेरी हार्दिक संवेदना और प्रार्थनाएं उनके परिवारों के साथ हैं। हमारा देश हमारे बहादुर सैनिकों के साथ खड़ा है जो भारत समर्थित आतंकवादियों के हमलों का सामना करते रहे हैं। इससे कुछ महीने पहले भी बलोच विद्रोहियों ने पंजगुर जिले में पाकिस्तानी सेना के एक काफिले पर हमला किया था, जिसमें 3 सैनिकों की मौत हुई थी और एक कर्नल समेत 8 सैनिक घायल हुए थे। पाकिस्तानी खबरों के मुताबिक मई के बाद बलूचिस्तान में सेना के काफिले पर ये तीसरा हमला हुआ है। बलोच विद्रोही अब कराची समेत पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में भी हमले कर रहे हैं। बलूचिस्तान के लोग चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का इसकी शुरुआत से ही विरोध करते आए हैं। आरोप है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हथियारबंद विद्रोही कई बार पाकिस्तान में काम करने वाले चीनी नागरिकों को भी निशाना बना चुके हैं। साल 2018 में बीएलए पर कराची में चीन के दूतावास पर हमले का आरोप भी लगा था। बलूचिस्तान में सीपीईसी को लेकर इसलिए भी नाराजगी है क्योंकि पाकिस्तान ने बलूच नेताओं की राय लिए बगैर सीपीईसी का फैसला लिया था। इस खबर पर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।